प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर में दिव्यांग कोटे से कला अध्यापक के दो पद भरे जाएंगे। अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले इन दो पदों के लिए काउंसलिंग 17 फरवरी 2022 को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में होगी। ये जानकारी उप निदेशक शिक्षा प्राइमरी संजय ठाकुर ने दी। हमीरपुर शिक्षा विभाग कार्यालय के तहत दो पदों में से एक पद सामान्य श्रेणी नेत्रहीन और दूसरा पद सामान्य श्रेणी बहु दिव्यांगता से भरे जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। विभाग के पास दस्तावेज देने की अंतिम तारीख 17 फरवरी रखी गई है और अगर कोई भी योग्य अभ्यर्थी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करता है वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर ने बताया कि अभ्यर्थी का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि दो पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी सभी दस्तावेज सहित 17 फरवरी तक आवेदन कर सकता है, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए हमारे पास दो वैकेंसीज हैं कला अध्यापक की, और इसमें कैटेगरी वाइज जनरल विजुअल इम्पेयर्ड एक सीट है और मल्टी डिसेबिलिटी जो है कि अगर किसी को है तो वो एक सीट है, टोटल मिलाकर के दो। उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी की हुई है जो कि प्रेस में भी हमने दी हुई है आप लोगों के पास। तो डेट ऑफ इंटरव्यू 17/2/2022 ठीक 11 बजे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनके हैं दिव्यांग से रिलेटेड वो इन्हें प्रोड्यूस करने हैं। अगर 17 तारीख के बाद कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है पूरे हिमाचल के अभ्यर्थियों से, अगर वे इसमें पात्रता रखते हैं तो वे 17 तारीख फरवरी महीने की ठीक 11 बजे DC ऑफिस में हाजिर हों अपने दस्तावेजों को लेकर के।